सब्सक्राइब करिए हिंदी वर्ल्ड चैनल को और दबाइए इस घंटी को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल झा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने हिंदी वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अगर आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो और आपका पैन कार्ड नहीं बन के आ रहा है, चाहे 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं या फिर 30 दिन हो गए हैं, तो आपको क्या करना होगा और आप कम से कम दिन में 4 से 5 दिन में आप अपना पैन कार्ड नंबर कैसे ले सकते हो और उसके लिए अप्लाई आपको कहां से करना है, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं। अगर आपको यहां से पैन कार्ड नहीं बन रहा है आपका, यहां से चाहे आप डॉक्यूमेंट भी सेंड कर रहे हो या फिर बन रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको बहुत कम प्रोसेस बताऊंगा जो कि आप कम समय में अपने पैन कार्ड को बनवा पाओगे। तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप NSDL के पोर्टल से यानी कि CSC के जरिए और NSDL के पोर्टल से अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका जो पैन कार्ड है 1 महीने के बाद भी अगर आपका पैन कार्ड आपके पास नहीं पहुंचता है तो आपको उस पैन कार्ड को कैसे मंगाना है या फिर आपको कहां से ऑनलाइन करना है। तो देखिए दोस्तों, इस CSC के पोर्टल में अभी तकनीकी कुछ खराबी चल रही है, ठीक है, NSDL के जरिए अगर आपका जो है पैन कार्ड नहीं आता है तो देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है पैन कार्ड के लिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ताकि आपका जो पैन कार्ड है जल्द से जल्द आ सके, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए आप CSC से करते हो तो CSC आपको कुछ कमीशन देती है, तो आप CSC से ना करके आप जो है बाहर ऑनलाइन जो है कर दीजिए पैन कार्ड को अप्लाई। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो आप चेक कर सकते हो। वो आप कैसे चेक करोगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है UIDAI और इसे आप ओपन करेंगे इस वेबसाइट को तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई आधार नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओपन कर दीजिए, इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको कस्टमर का क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है और यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए, तो आपको लास्ट में लिखा आ जाएगा कि इस आधार नंबर पे जो है कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि ये नंबर उनके पास है, अगर वो नंबर उनके पास है तो फिर उनका जो आप पैन कार्ड बनाएंगे वो आप ऑनलाइन NSDL के माध्यम से बनाएंगे, वो आप पैन कार्ड जो है यहाँ से नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आप वो आप यहाँ से बनाते हैं तो क्या होता है कि टाइम लगता है 1 महीने का या फिर 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं और आपका पैन कार्ड बनके नहीं आएगा या फिर आएगा तो 3-4 महीने में आएगा। और एक बात और भी है कि आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट भी सेंड करने होते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास CSC है फिर भी आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ रहे हैं तो फिर आपको CSC होने का फायदा ही क्या है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो पहले से बना के रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो देख मिल जाएगा, आप वो वीडियो पूरा देख लीजिए या फिर आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जो एक बार पूरा देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। एक बार मैं आपको वो वेबसाइट दिखा देता हूँ जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए ऑनलाइन पैन कार्ड, ठीक है, ऑनलाइन पैन कार्ड। तो यहाँ पे जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो पहला वेबसाइट आएगा NSDL का, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पैन कार्ड को बना सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी पड़ेगी और सिंपल तरीके से वो बड़े ही फास्ट आप पैन कार्ड को बना पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, 4 से 5 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड नंबर आपको मिल जाएगा और 8 से 10 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आपका पैन कार्ड पहुंच जाएगा। तो मेरे हिसाब से काफी फास्ट है और काफी तेज है। और आप मान लीजिए कि आप CSC के पोर्टल से अप्लाई करते हो या फिर UTI से करते हो चाहे NSDL से करते हो, तो होता क्या है कि यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऊपर एड्रेस दिया हुआ है, आपको इस एड्रेस पे जो है डॉक्यूमेंट को सेंड करने होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट को सेंड नहीं करते हो तो आपका पैन कार्ड बनके नहीं आता है। हो सकता है आ भी जाए लेकिन 100% ये है इनकी जो टर्म्स और कंडीशन ये है कि आपको जो है इनके एड्रेस पे डॉक्यूमेंट को भेजना पड़ता है, चाहे आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो, उससे ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर वहां पे रजिस्टर्ड नहीं है तभी जाके आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, अगर आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप ये करिए, कस्टमर से कहिए कि वो अपने आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराए, ठीक है, तब जाके आप उसका ऑनलाइन करिए, तो आपको भी फायदा होगा, आपको भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने पड़ेंगे
और जो आपको कमीशन मिलता हो वो जाके आप कस्टमर से ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत सारी कमेंट आ रही हैं और उनने मुझसे पूछा है कि मेरा पैन कार्ड मैंने अप्लाई किया था, अभी तक मेरा पैन कार्ड नहीं आया है, 1 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दिए हैं, फिर भी पैन कार्ड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर यहाँ से पैन कार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो CSC है वो अभी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, CSC का हमें सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कस्टमर केयर का फोन नहीं लगता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सही से बात नहीं करते हैं, तो जो सर्विस इसकी अच्छी हो आपको केवल उन्हीं का लाभ उठाना है, बाकी के आपको कोई भी सर्विस का लाभ नहीं उठाना है, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जो सर्विस आपको बाहर कहीं नहीं मिल रही हो, अगर वो CSC में मिल रही हो तो ही आपको उनका यूज करना है। और मान लीजिए कोई सर्विस आपको बाहर अच्छे रेट में मिल रही है और आपको वो लगता है कि हाँ वो लाभदायक है, तो आपको वो सर्विस CSC से ना लेके आपको वो बाहर से लेनी है, ठीक है। और जो सर्विस CSC में अच्छे से है उसका लाभ आपको CSC से लेना है। दोस्तों ये था पैन कार्ड के लिए कि आपको जो पैन कार्ड इसमें समस्या आ रही है तो आपको ऑनलाइन बनाना है बाहर से, और उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो पूरा वीडियो देख लीजिए तो आप बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे कि हमें पैन कार्ड बनाना कैसे है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वहां पे बिल्कुल ही आसान है, कुछ ही वहां पे ऑप्शन आते हैं और सारा एड्रेस भी नहीं फिल करना पड़ता है, ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड का वो एड्रेस फेच कर लेता है और वहीं पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेम भरी होती है, केवल आपको नाम वगैरह कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और आपका पैन कार्ड बनके जो है रेडी हो जाता है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होता है। तो दोस्तों वहां से आप ऑनलाइन को जो है पैन कार्ड बना सकते हो बड़ी ही आसानी से, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और दोस्तों मान लीजिए आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी आपको जानकारी दे दूंगा, उसका भी समस्या का आपका समाधान कर दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।